क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 100x से लेकर के 1000x तक का रिटर्न लिया है। कुछ लोगों ने तो बिटकॉइन को 10 साल के लिए 12 सालों के लिए होल्ड किया है, तब जाकर के उन्हें जो है मिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पर रिटर्न मिला है। लेकिन क्या जिन्होंने भी 10 साल के लिए या 5 साल के लिए 8 साल के लिए क्रिप्टो को होल्ड किया, वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होल्ड किया जैसे कि बाइनेंस हुआ या फिर कुकॉइन हुआ? अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो इंडिया में बाइनेंस को कुकॉइन को ऐसे जो है 9 एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कहीं ना कहीं रिस्की साबित होते हैं अगर ये जो है आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करें तो। तो अब सवाल आता है कि अगर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज इतने सेफ नहीं है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो जो हम आपको वीडियो में बार-बार बोलते हैं कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए बिटकॉइन को या इथेरियम को होल्ड करिए, वो आप कहां पर होल्ड करें? या फिर जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया है उन्होंने कहां पर होल्ड किया है? तो सीधा सा जवाब है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वॉलेट का आपने नाम सुना होगा जिसका कोई एडमिन नहीं होता है, आपके कीज होते हैं, आपका वॉलेट होता है। इसमें दो तरीके के वॉलेट होते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट जो कि आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट के रूप में मिलता है, एक होता है हार्डवेयर वॉलेट। अब हार्डवेयर वॉलेट जो होता है वो पेन ड्राइव के रूप में आपको मिलता है जिसमें कि आप क्रिप्टोस को जो ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैसा ही एक देखिए हार्डवेयर वॉलेट है साइफर रॉक X1। सबसे अच्छी खासियत ये है इस वॉलेट की कि ये इंडियन वॉलेट है। इसमें आपको जो कोई भी सीट फ्रेजेस वगैरह नोट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आपको कार्ड्स मिलते हैं। कहने का मतलब है कि आपके कार्ड्स रहेंगे तो आपका पैसा रहेगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कार्ड आपको मिलता है, इसमें आपको मिलते हैं 4 कार्ड। तो आज इसी वॉलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। अगर आप क्रिप्टो में अभी जो सीरियस हैं तो आपके लिए हार्डवेयर वॉलेट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो साइफर रॉक की टीम ने मुझे जो है ये वाला वॉलेट सेंड किया है और कहा है कि इसे आप यूज करिए और आपका क्या रिव्यू है वो हमें बताइए, और मैं ये रिव्यू आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए फटाफट से पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जब आप इस वॉलेट को ऐसे ओपन करते हैं तो आपको इसमें जो 3-4 चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास आता है ये 4 कार्ड। अभी आपको देखिए एक देखने को मिल रहा होगा लेकिन ये जो है एक साथ ही अटैच है, ये देखिए 4 कार्ड है। उसके बाद हमें मिलता है ये देखिए डिवाइस जहां पर कि हमने क्रिप्टोस को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एक OTG केबल मिलता है, उसी के साथ ही साथ आपको जो C to USB केबल मिलता है जिससे कि आप इस वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद कुछ जो यूजर मैनुअल है। अब इस वॉलेट के कुछ हम जो खास बातों को समझते हैं। इसमें आपको देखिए यहां पर 4 कार्ड मिलते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। आपको ये 4 कार्ड मिलते हैं, उसके साथ ही साथ आपको ये देखिए डिवाइस मिलता है। होगा क्या कि आपके क्रिप्टो जो इस डिवाइस में यहाँ जाकर के जो स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद पहले क्या होता था कि आपको जो सीट फ्रेजेस मिलते थे जिन्हें कि आपको लिख करके रखना होता था, अगर आप उसे भूल जाते हैं तो आपके क्रिप्टो जो लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे ही आप जो है वॉलेट अपना क्रिएट करते हैं ये वाले डिवाइस में, वैसे ही आपका जो पासवर्ड रहेगा वो इन 4 कार्ड्स में जो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी कार्ड आपके पास रहा और आप इसे जो इस डिवाइस से ऐसे टैप करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है और आपने क्रिप्टो को जो रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए स्ट्रेटजी ये कर सकते हैं कि एक कार्ड आपने जो है अपने फादर को दे दिया, एक कार्ड आपने अपने मदर को दे दिया, या फिर एक कार्ड अगर आप चाहें तो अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं और एक कार्ड आप जो कहीं और स्टोर कर सकते हैं। जिससे हुआ क्या कि इन 4 कार्ड में से अगर एक कार्ड भी आपके पास रहता है तो आपने क्रिप्टो को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सीड फ्रेजेस में दिक्कत क्या है कि अगर आपने किसी पेपर पे सीड फ्रेज नोट किया और वो पेपर ही अगर गुम हो गया तो आप अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्रिप्टो आपका लॉस्ट हो जाता है। अगर एक वर्ड भी उसमें मिस होता है तो भी आप फिर जो क्रिप्टो को लॉस कर सकते हैं। कि सिंपली आपको इस जो सी टाइप केबल को जो यहां पर ऐसे अटैच करना होगा और इससे आपको अपने कंप्यूटर में जो है लगाना होगा जिससे कि आपने वॉलेट का पूरा बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये जो कार्ड है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको भी साइफर रॉक के वॉलेट को बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एफिलिएट लिंक मिल जाएगी जिसमें कि आपको एक भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब कि अगर आप खुद से जाकर के बाय करते हैं तो आपको वहां पर जो ज्यादा पैसे पे करने होंगे, लेकिन अगर आप जो हमारे लिंक से यहां पर बाय करते हैं तो एक भारी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। करीब 4-5 हज़ार रुपए का यहां पर डिस्काउंट चल रहा है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इनकी वेबसाइट पर यहां पर आ चुके हैं, प्राउडली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडियन प्रोडक्ट है, कॉइन डेस्क हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ या फिर डीक्रिप्ट हुआ, याहू न्यूज हुआ, यहां पर ये ऑलरेडी जो है फीचर हो चुके हैं। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई एक बार जाकर के आप यहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। योर क्रिप्टो प्राइवेट की इज क्रिप्टोग्राफिकली स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। कहने का मतलब है कि एक डिवाइस रहेगा और 4 कार्ड रहेंगे। कोई भी अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो एक कार्ड आपको यहां पर टैप करना है। अब थोड़ा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी ऑडिट इनका किया जाता है उसी कंपनी के द्वारा
द्वारा जिसने यहाँ पर लेजर और ट्रेजर में जो है यहाँ पर बग्स ढूंढे थे। कहने का मतलब है कि लेजर और ट्रेजर वॉलेट में जो है इन्होंने बग्स निकाले थे, उसे हैक कर लिया था। तो सेम कंपनी से इन्होंने भी अपना यहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट कराया है, तो इन्हें एक यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है और वर्ल्ड क्लास है। तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। क्रिप्टो का बुल रन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप चाहें तो इस वॉलेट का यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अच्छा है कि आप जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट है X1 साइफर रॉक का, इसमें आपने क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एक बार जाकर के इस पर खुद की भी रिसर्च जरूर करिएगा। इंडियन प्रोडक्ट है तो हमें इसे सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर आप मुझे कॉमेंट करते हैं तो इस पर मैं जो प्रॉपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको वॉलेट सेटअप करना है और कैसे सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एफिलिएट लिंक मिल जाएगी साइफर रॉक की, जा करके अगर आपको परचेज करना है ये वॉलेट तो परचेज कर सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।